welcome back to the another lecture of UKIC on और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो प्लानर की बात करेंगे। प्लानर इसलिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोग कौन से लेक्चर में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कहीं पे छूट जाते हो तो प्लानर देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग कौन से चैप्टर पे कौन से लेक्चर पे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। मजा आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई लेक्चर नंबर 1 सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या है, प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है और ग्लोबल एंटरप्राइज का मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या आता है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टर्न लिखना तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। सबसे पहले लेक्चर 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर उसका मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक सेक्टर के कितने टाइप्स है। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या आता है, उसके बाद लेक्चर में हम लोग देखेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है और उसके तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनीज क्या है। तो ये तीनों लेक्चर उसी के लिए है। उसके बाद हम लोग बात करें लेक्चर नंबर 5, तो यहाँ पे हम लोग मीनिंग समझेंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप क्या है, किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन पॉइंट्स आते हैं। लेक्चर 6 की अगर हम लोग बात करें, लास्ट सेकेंड लेक्चर कि हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइज, व्हाट इज़ द सिंबल मीनिंग ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारा हम लोग लेक्चर नंबर 6 में कवर करने वाले हैं और लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7 एंड लेक्चर 7। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता है मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है, दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिजाइन किया और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वहां तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को ये यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे वो डॉक्टर उदय कच्ची जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएं। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय-बाय, सी यू टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पब्लिक यूटिलिटीज क्या है और जॉइंट सेक्टर का मीनिंग क्या है। आगे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स और अलग अलग चैप्टर्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए है, उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना मत भूलना। और ये सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके स्क्रीनशॉट आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग एंड्रॉयड और iOS दोनों में हम लोगों ने एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है, जैसे ही आप लोग www.ukiconline.com जैसे ही आप लोग टाइप करते हो आप लोगों को ये पेज डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, जैसे ही प्लेज ये डिस्प्ले होगा उसके बाद आप लोग जैसे ही आगे जाओगे तो वहाँ पे कौटिल्य बैच करके हम लोगों ने एक बैच बनाया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स है उसकी सारी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग आपके साथ हैं आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। ठीक है, तो अगर यहाँ तक लेक्चर देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं,
और इसी के साथ हमारा प्लान खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1 में। टिल देन बाय बाय।